आपने हमेशा बाबा रामदेव को योग करते हुए या कभी कभार बयानबाजी करते हुए देखा होगा, लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव का ये अंदाज देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, इस बार मंच पर बैठने वाले बाबा रामदेव ने मैदान पर फुटबॉल खेली। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रविवार को फुटबॉल के महामुकाबले के लिए देश के कई दिग्गज मैदान में उतरे। सभी दिग्गजों को चीयर करने के लिए दिल्लीवासी स्टेडियम में इकट्ठा हुए। राजनीति के दिग्गजों और बॉलीवुड स्टार्स के बीच फुटबॉल मैच खेला गया। बॉलीवुड टीम की कप्तानी अभिषेक बच्चन ने की और नेताओं की टीम की कप्तानी का जिम्मा योग गुरु बाबा रामदेव ने संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत जैसे अभियान को बढ़ावा देने के लिए ये चैरिटी मैच खेला गया था। राजधानी में आयोजित इस महामुकाबले में बॉलीवुड से अभिषेक बच्चन, डीनो मोरिया, रणबीर कपूर, शब्बीर अहलूवालिया, करण वाही जैसे सितारे फुटबॉल खेलते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी, बाबुल सुप्रियो, प्रवेश वर्मा जैसे नेताओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए मैदान में पसीना बहाया। इस रोमांचक मैच में बाबा रामदेव भी अपना दमखम दिखाने से पीछे नहीं हटे। और दूसरे खेलों में भी अब विश्व विजेता हो रहा है, फुटबॉल बाकी रहा है। फुटबॉल एक पावर गेम है, इसमें ताकत आती है, उत्साह आता है, जोश और जुनून आता है, और हिंदुस्तान के युवाओं के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि वो अपने भीतर शक्ति शौर्य अर्जित करें। और जिस तरह से आज हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं नशे की ओर जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पतन हो रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है इस देश के लोग जब फुटबॉल खेलेंगे, योग करेंगे, दौड़ेंगे, कबड्डी, कुश्ती और जो हमारे परंपरागत खेल हैं उनको खेलेंगे, तो उनके भीतर शक्ति बढ़ेगी, शौर्य बढ़ेगा, तनाव तो उनके आसपास भी नहीं फटकेगा। तो आज हमारा यही प्रयास है कि फुटबॉल को देश में प्रोत्साहन मिले, जिससे कि अगले वर्ष जो विश्व कप यहाँ पर होने जा रहा है फीफा का, तो वो उसमें भारत की एक बड़ी भागीदारी हो और हम क्रिकेट की तरह, कुश्ती की तरह फुटबॉल में भी विश्व विजेता बने। और उसके लिए आज का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। और बेटी बचाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए आज का ये पूरा गेम समर्पित है, एक चैरिटी कॉज के लिए ये मैच हो रहा है। बाबा रामदेव का फुटबॉलर वाला ये अंदाज लोगों को खूब याद रहेगा। जब धोती में बाबा रामदेव फुटबॉल खेलते नजर आए और मैदान पर मैच बचाने में लगे रहे, इस चैरिटी मैच का लोगों ने भी खूब लुत्फ उठाया।